हमको अपने आप को रिलैक्स होने दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं एक मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। वो रेसिपी हम आप लोगों को बाद में बताऊँगी। आप लोग जो मार्केट से मंगा कर खाते हैं चटनी के साथ, वो देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, लेकिन हम बनाएँगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं, चलिए अगले वीडियो। यहाँ पे हमने एक कप मैदा ले लिया था और इसमें अजवाइन को डाल दिया है, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, नमक डाल देंगे। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। इसको अच्छे से हम मोइन करने के लिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे रिफाइंड को, जब तक हमारा आटा ऐसे पेड़े जैसे ना बन जाए, तब तक इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू उबालने के लिए रखे थे, तो देखिए आलू हमारा भी उबल चुका है। तो देखिए अच्छे से मुट्ठी बन रहा है। तो अब इसमें हम अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम नॉर्मल पानी को ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मिक्स करेंगे इसमें। तो आटा का डो अच्छे से रेडी हो गया, तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे इसको ढक। आलू हमारा बॉयल हो चुका है, तो अब आलू को हम क्या करेंगे, इसकी बाल को हम छील लेंगे। इसको बाल को छील को हम अच्छे से इसको टकले बना लेंगे। तो हमने सारे पोटाटा को टकला कर लिया है। अब इसको हम एक थाली में लेके इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। ज़्यादा इसको हम महीन नहीं करेंगे ना मोटा रखेंगे, इसको पहले तोड़ लेते हैं हम। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे, तेल हमने ले लिया है। 1/2 चम्मच के करीब जीरा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, और अदरक लहसुन का हमने दरदरा कूट लिया था इसको भी डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को काटा था इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसमें भून लेते हैं, भून चुका है, इसमें हम आलू को डाल देंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर हमने 3-4 चम्मच लिया था, इसको भी डाल देंगे इसमें। नमक ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लेंगे 1/2 चम्मच से कम, सूखी लाल मिर्च आप लोग अपने तीखे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 पिंच के करीब, चाट मसाला ले लेंगे 1/2 चम्मच हम डाल लेते हैं। इसको हम 2-3 मिनट लिए इसे ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए हम सब कुछ डाल दिए, गरम मसाला भूल गए इसमें डालना, तो एक बार हम खोल के मसाला हम 1/2 चम्मच से कम ले लेंगे, तो मिला लेते हैं हम। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा स्टफिंग तैयार हो गया, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन मंगरा लिए थे इसको भी डाल देंगे, और धनिया का पत्ता भी हम ऊपर से डाल देते हैं। इसमें आमचूर पाउडर आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था, तो इसमें हम नींबू को डाल देंगे। इसको उतार लेंगे हम, इसको मिला लेते हैं हम। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, ऐसे निकाल देते हैं इसको। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, अच्छा है। थोड़ा सा हम फीका नहीं खाते हैं ना, तेज़ खाते हैं, थोड़ा सा और मिला ले रहे हैं। तो ये हमारा 15 मिनट एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, इसको एक बार और मिला लेते हैं हम।
ज़्यादा टाइट रखेंगे ना ज़्यादा हम सॉफ्ट रखेंगे, इसको मीडियम ही। एक बार हम हाथ से मसल लेंगे, एक लोई तोड़ लेते हैं। इतना बड़ा मैदे का पेड़ा बना लिया है, इसको अब हम सूखा आटा में लपेट लेंगे इसको चकला पे, और इसको हम बेल लेते हैं। ना मोटा रखेंगे ना पतला रखेंगे, पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो चलेगा। थोड़ा सा सूखा आटा हम लगा लेंगे, इसको हम बेल लिया है, बेल लिए हैं हम इसको, और इसको हम काट लेते हैं। एक पार्ट को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके हम पानी लेंगे, नॉर्मल पानी इस पर ऐसे लगा देंगे, इसको ऐसे कोने से चिपका देंगे हम इसको, इसको हाथ से अच्छे से हम दबा लेते हैं। ये कितना अच्छा कोन हमारा बन के हो गया रेडी। इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे, अब इसके हम चारों तरफ इसके किनारों पे हम पानी को भी लगा देते हैं। और इसका हम क्या करेंगे, एक बगल का प्लेट ऐसे इसको मोड़ देंगे और इसमें चिपका देंगे, और इस पर हम ऐसे चिपकाते जाएंगे अच्छे से, अच्छे से इसको हमको प्रेस करना है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा सिंघाड़ा बन के एक हो गया रेडी। तो सिंघाड़ा वही समोसा कहिए चाहे सिंघाड़ा कहे इसको, तो हम प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए समोसा हमारा एक बन के हो गया रेडी, सारा समोसा बन के हो गया हमारा रेडी। हम बना रहे हैं दो लोगों के लिए, आप लोग अपने बड़े जितना बड़ा फैमिली होगा उतना बड़े लोगों के लिए इतना सारा समोसा बना कर रेडी करिएगा। हम बना रहे हैं बस दो लोगों के लिए। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया तो इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, अच्छे हीट आने तक इसको वेट करते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम एक एक करके सारे समोसे को डाल देंगे। इसको हम मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा समोसा हमारा बन के हो गया रेडी। ऐसे ही हम सारे समोसे को तल लेंगे। देखिए पूरा कितना अच्छा कलर आया है समोसा में, तो हम सब तल लेते हैं। हमारा समोसा चटनी बन के हो गया रेडी। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।